हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम 7.2 के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको 7.1 शुरू करा के खत्म करा दी थी, और इंटीग्रेशन में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, कैसे उनको किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले थे। तो आइए शुरू करते हैं इनके साथ। चलिए, तो 7.2 जो हम करेंगे, तो पहला क्वेश्चन इसके सामने आ रहा है, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे 7.1 में, उसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन 7.2 के अंदर आपको फॉर्मूले को खुद क्रिएट करना है, खुद बना के दिखाना है, और इसके अंदर हमें डेरिवेटिव का सहारा लेना पड़ेगा, और उसके ही जरिए हम लोग इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो अब बच्चों, कुछ नए क्वेश्चन को ट्राई करना है, तो आइए कुछ नए चीजों को भी सीखें। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं इस नीचे वाले का डेरिवेटिव करूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। वो आप कहोगे कि सर आपको पता कैसे चला, इसका क्या रीजन है? क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि डेरिवेटिव के केस में हमने ये चीज सीखी है कि जब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे एक कम हो जाता है, यानी इसका डेरिवेटिव 2x के बराबर दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। जब आप 5 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई किसका डेरिवेटिव करें तो हमें वो चीज मिल सकती है। तो आइए, मेरे को दिखा कि भाई इस पूरे का डेरिवेटिव मुझे यहां तक पहुंचा सकता है, तो यानी मुझे लेट करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे, याद रखना, 1 का 0 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, और t का होगा dt अपॉन में dx। dx यहां पे डिवाइड कर रहा है, यहां पर आके मल्टीप्लाई। अब मुझे जल्दी से बताइए कि क्या ये ऊपर वाली पूरी चीज मुझे dt के बराबर मिल गई? जी मिल गई। तो ऊपर वाली की चीज की जगह 1, और ये पूरी चीज मैंने किसके बराबर लेट करी? t के, तो t, और ये पूरा है किसके बराबर? dt के। तो बस आ गया। और 1 अपॉन t होता क्या बच्चों? इंटीग्रेशन log टी और प्लस में सी, और टी है कितना हमारा? तो जहां पे थे वापस वहीं पे आ जाओ, एक्स में थे तो एक्स में ही रहो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में है लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है आपको। अब इसको करना है तो कैसे करा जाए? हाँ जी, तो मुझे कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा काम करना है। मुझे साफ पता चल रहा है कि log x का अगर डेरिवेटिव करता हूं तो 1 अपॉन x मिल जाएगा। सही बात है जी, बिल्कुल। तो लेट कीजिए, log x बराबर t, और क्या होगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log x का 1 अपॉन x, t का dt अपॉन dx। dx यहां डिवाइड कर रहा है, यहां आके मल्टीप्लाई, और ये dt। ठीक है जी, अब क्या होगा? सिंपल। हां जी, इसको अगर इसको 1 अपॉन एक्स डी एक्स देखा जाए तो कोई दिक्कत है? जी नहीं। 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स किसके बराबर है? डी टी के, तो यहां लिख दो डी टी। और लॉग एक्स किसके बराबर था? टी के, तो ये रहा टी। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, कर दो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर 1 1 ऐड करते रहो। तो टी कितना बच्चों? टी है आपका लॉग एक्स, और 1 प्लस 2 3 अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और भी आसान है, एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा। सही बात है, और 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो आपको 1 अपॉन एक्स मिलेगा। सही बात है जी, लेट 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी। वही है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे ना बच्चों, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस के अनुसार ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 0 हो जाएगा, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, इसका डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स उठ के यहाँ 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देखो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये तो बन गया भैया आपका डी टी, और 1 अपॉन ये पूरा किसके बराबर था? टी के, तो टी, और ये डी टी। तो log t बन जाएगा इसका प्लस सी, और log t क्या माना था? 1 प्लस log प्लस सी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है कि साइन x
साइन कॉस एक्स डीएक्स। अब किसको लेट करूं, क्योंकि देखो साइन एक्स को लेट करूंगा तो कॉस तो आ जाएगा, लेकिन ये कॉस एंगल के अंदर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कॉस को लेट करेंगे। लेट कीजिए कॉस एक्स बराबर टी, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, और टी का होगा डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को उठा के वहां ले जाओ, साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब यहां पर है माइनस, लेकिन क्या बच्चों मुझे साइन एक्स डी एक्स चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए साइन एक्स डी एक्स, तो यहां तो माइनस बिना बात में आ रहा है, तो माइनस को उठा के वहां भेज दो, तो डी टी किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, चलिए तो साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर आया, माइनस डी टी, तो माइनस इधर होगा डी टी इधर होगा। साइन भाई कॉस एक्स किसके बराबर, टी के, तो इस कॉस एक्स की जगह पे ले लेंगे टी और ये डी टी। तो हाँ जी साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी बताओ, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है, बोलो साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस, और टी की जगह पे क्या आएगा कॉस एक्स प्लस सी। इस तरीके से करना है बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए इसको, ठीक है। चलो कर ले वीडियो पॉज करके नोट। हाँ जी वीडियो पॉज करते रहो और नोट करते रहो, ठीक है बच्चों। फिफ्थ देखो बच्चों, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। हाँ जी तो मैं जानता हूं साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो बस ठीक है जी यहां पे लेट करेंगे क्या, साइन ए एक्स प्लस बी को टी के बराबर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता है ए एक्स का, ए एक्स का 1 और बी का 0, इसका डी टी अपॉन में डी एक्स, तो ये बन जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स यहाँ पे डिवाइड कर रहे इधर आके मल्टीप्लाई, लेकिन बच्चों मुझे तो कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स चाहिए, ए तो बिना फालतू में आ रहा है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाके क्या करेगा भाजी, भाई ये करेगा इधर आके डिवाइड, ठीक है जी। तो ये कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन ए डी टी, तो 1 अपॉन ए को तो बाहर करो, बच गया साइन ए एक्स प्लस बी, इस पूरे को मैंने टी लेट किया है तो टी डी टी, और इंटीग्रेशन करेंगे तो टी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी, तो आ गया टी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। टी की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे साइन की, तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी। अब 2a से ए काट मत देना बच्चों, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, सिक्स्थ, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। तो कैसे, बहुत सिंपल, ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 कर दो इंटीग्रेशन, ए एक्स प्लस बी 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, और अब मैंने क्या बताया था कि जो भी कोफिशियंट होगा एक्स के टर्म के साथ वो नीचे आ जाएगा प्लस सी, तो क्या आ गया ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2, और 1 प्लस 1 बाय 1/2 3/2, तो 3a, और 2 जो है वो पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, आंसर आपके सामने। सेवेंथ सेवेंथ क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हाँ जी ये क्वेश्चन ना आप अगर करोगे तो आप इसको मतलब सॉल्व करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो कैसे किया जाए इसको। अब एक काम करो भाई, एक चीज है रूट में और एक चीज है बिना रूट में, यानी एक चीज है रूट में और एक चीज है बिना रूट में, ठीक है। और क्या है बच्चों, जब ये रूट में है ये बिना रूट में, तो एक काम करो पहले ये बिना रूट वाले को ना अंदर वाले जैसा बनाओ, अंदर वाले जैसा बनाओ, तो चलिए हाँ जी बनाना जरा, कैसे बनाए भाई, एक्स के साथ कौन है प्लस टू, तो ले लो भाई अपनी मर्जी से प्लस टू, लेकिन हम कोई भी काम मैथ में जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, तो जब प्लस का टू ले रहे हैं तो माइनस का भी टू लेंगे ताकि बैलेंस चले। अब क्या करो, इस पूरे को एक यूनिट मानो और इसको सिंगल यूनिट, करो अंदर मल्टीप्लाई भाई, इससे मल्टीप्लाई करोगे पावर एक पावर हाफ, पावर एक पावर हाफ, तो
तो पावर एक और पावर हाफ क्या होगा, थ्री बाय टू, माइनस टू और एक्स प्लस टू, भाई अंडर रूट का मतलब पावर हाफ। अब करो इंटीग्रेशन, भाई इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स प्लस टू पावर थ्री बाय टू प्लस वन, थ्री बाय टू प्लस वन, एक्स प्लस टू पावर वन अपॉन में वन प्लस वन बाय टू, ठीक है, प्लस सी, कर दो इंटीग्रेशन भाई। हाँ जी, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस टू, हाँ जी भाई, पावर थ्री बाय टू प्लस वन, थ्री बाय टू मतलब कितना होता है 1.5, और वन 2.5 हो गया, तो 2.5 को लिखते हैं 5 बाय टू, 5 बाय टू माइनस टू, और ये कितना हो गया x, 1 बाय टू, एक्स प्लस टू है ना, हाँ जी, तो 1 बाय टू प्लस वन यानी कि हाफ और वन कितना हो गया 1.5, और 1.5 क्या होता है 3 बाय टू, 3 बाय टू प्लस सी, और अब तो आपको पता ही है पलट जाएगा 5 बाय टू एक्स प्लस टू, 5 बाय टू माइनस 2 पलट गया, 2 2 जा 4, x प्लस टू 3 बाय टू अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत आसान है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, x अंडर रूट 1 प्लस 2 x स्क्वायर dx, यही है ना, हाँ जी, तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। अब देखो इसको तो इसके जैसा बना नहीं सकते, बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, तो सीधा एक काम करो, लेट करो, क्या लेट करो, 1 प्लस 2 x स्क्वायर को t के बराबर, और डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों कर दें, क्योंकि देखो यहां पे अगर x प्लस टू को आप t लेट करते तो ये तो पूरा क्या बन जाता, 1 प्लस 0, तो x x तो आता ही नहीं, ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो x आ जाएगा आपके पास, कैसे, 1 का 0 2, x स्क्वायर का पावर आगे एक कम, dt अपॉन में dx, ये बन गया 4x, dx यहां पर आ जाएगा dt, लेकिन मुझे तो x dx चाहिए ना, तो 4 तो फालतू में आ रहा है, तो 4 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड, तो हां जी x dx किसके बराबर आ गया, 1 by 4 dt, तो 1 by 4 को परे करो, अंडर रूट ये पूरा t dt, करो इंटीग्रेशन, हां जी t की पावर भाई 1 by 2 है, 1 by 2 plus 1 अपॉन में 1 by 2 plus 1, हां जी क्या बन जाएगा, तो 1 by 4 और t की पावर कितनी हो जाएगी 3 by 2, और ये भी कितना हो जाएगा 3 by 2, 2 पलट गया तो कितना हो जाएगा 1 by 4 into 2 by 3, और ये t, t कितना था बच्चों, t था 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 प्लस सी, प्लस सी, ठीक है, इससे कट जाएगा 2, तो 1 अपॉन में 6, 1 प्लस 2 एक्स के स्क्वायर 3 अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है, इस तरीके से करना बच्चों, ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में, तो बहुत आसान आसान, चलिए शुरू करते हैं, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोर एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, यही है, बहुत सिंपल है बच्चों, देखो कैसे, अगर मैं इसमें से टू कॉमन ले लूं तो टू एक्स प्लस वन बचेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, भाई टू तो आ गया बाहर, ये बच गया टू एक्स प्लस वन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, अब देखो अगर मैं इस अंदर वाले रूट वाले का डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे ये वाला बनता हुआ दिख रहा है, तो बस बात खत्म, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका होगा पावर आगे एक कम, एक्स का वन, वन का जीरो, ठीक है, और ये डी टी अपॉन में डी एक्स, उठा के वहां ले जाओ, ये आ गया डी टी, तो बस टू, हाँ जी ये पूरा तो किसके बराबर आ गया डी टी के, और वो क्या आ गया रूट टी डी टी, अब आप कर लोगे इंटीग्रेशन,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10, वन अपॉन में एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक्स को रूट एक्स मल्टीप्लाई में रूट एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए होता है। तो भाई एक्स बराबर रूट एक्स नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। वन अपॉन भाई रूट एक्स कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, बस बात खत्म। अब लेट करो, अब लेट करने की कहानी शुरू। लेट कर लो अंडर रूट एक्स माइनस वन को टी के बराबर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, वन का जीरो, टी का डी टी अपॉन डी एक्स, उठा के वहां ले जाओ वन वाई रूट एक्स डी एक्स। टू यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, आ जाके मल्टीप्लाई टू डी टी, और ये लो जी आपके साथ, आपके पास वन अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स किसके बराबर आया, टू डी टी। टू को करो बाहर, वन अपॉन भाई अंडर रूट एक्स माइनस वन किसके बराबर है, टी के, तो वन अपॉन डी। और वन अपॉन टी किसका होता है, लॉग टी प्लस सी, बात खत्म। लॉग टी क्या माना है, रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, हो गया आंसर। 11th क्वेश्चन, 11th, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो। हाँ जी, तो ये एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस फोर। अब देखो ना, आप नीचे वाला लेट करोगे तो ऊपर वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला लेट करोगे तो नीचे वाला नहीं आएगा, सेम वही पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो इसमें भी क्या करोगे, आप इसकी तरह बनाओ इसको, तो कैसे, अपनी मर्जी से 4 ऐड करके, अपनी मर्जी से 4 माइनस करके। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, अब ये हिस्सा इसके बराबर, तो देखो एक बार इसके नीचे आ जाएगा ये, और एक बार इसके नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो अब होगा क्या, इसकी पावर भैया 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1। तो एक बात बताओ सिंपल सी, जब इससे इसको काटोगे 1 को, तो हाफ तो बचेगा है ना, तो यानी कि 1 बाय 2 एक्स प्लस 4 बनेगा, और ये पावर क्या है, 1 बाय 2। ठीक है, अब देखो ये क्या बनेगा भाई, ये तो भाई पावर कट के बन गया एक्स प्लस 4 की पावर 1 बाय 2, सही बात है, माइनस 4। हाँ जी, रूट का मतलब होता है पावर 1 बाय 2, और नीचे से ऊपर आएगी तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं होएगा, जी बिल्कुल पावर माइनस का हो जाएगा। बस कर दो अब इंटीग्रेशन, तो एक्स प्लस 4 की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1, 4 एक्स प्लस 4 की पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 सी। हाँ जी, तो 1 बाय 2 और 1 कितना होगा, 3 बाय 2, ये भी हो जाएगा 3 बाय 2, 4 एक्स प्लस, हाँ भाई एक से आधा गया आधा, एक से आधा गया आधा प्लस सी। अब पलट दो, 2x प्लस 4 बटा 3 बटा 2 अपॉन में 3, पलट दे 4 दुनी 8 x प्लस 4, और 1 बटा 2 का मतलब होता है रूट, और प्लस सी आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको बस करना आना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग बच्चों ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 तक के क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, 18 तक के क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, अगली क्लास में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबल ये है, कोशिश रहेगी मेरी कि मैं इस पूरे 7.2 को ही खत्म करवा दूं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।